हैं उसके साथ ब्लैक चने, ब्लैक चने और चावल हमारे रेडी हो रहे हैं इंशाल्लाह। अभी ये रेडी होंगे और फिर हम लंच में अपने खाएंगे। और ये देखें इसको कितनी जल्दी है बाहर निकलने की, ये जगह ढूंढ रहा है जहाँ से बाहर निकल सके। अभी टेस्टी नज़र आते, मैंने खाए तो बहुत अच्छे बने हुए थे। तो जुमे वाले दिन ऐसे भी स्पेशल चीज़ बनती है, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है कि इस दिन को अच्छी चीज़ बनानी चाहिए। चलते हैं जुमा पढ़ने, फिर जुमा पढ़ के वापस आते हैं और देखते हैं। अभी हम बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि कितनी गर्मी है। बाकी वेदर आप देखें, अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक और न्यू व्लॉग के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो मेरी तरफ से आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुमा है तो मेरी तरफ से आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और जुमे की फजीलत और जुमे के जो फ़वाद हैं वो बहुत ज़्यादा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जुमे का दिन बहुत ज़्यादा बरकतों वाला और रहमतों वाला दिन होता है। तो जुमे वाला दिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। और ये कह पूरे हफ्ते में जो सबसे अच्छा दिन आप कह सकते हैं और खूबसूरत दिन होता है वो जुमे का होता है। जुमरात का भी होता है, जुमे और जुमरात का दोनों जो ये दिन हैं बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए अफजल होते हैं। तो जुमा बात मिस कीजिएगा और जुमा पढ़िएगा। अभी हम भी जाते हैं इंशाल्लाह, जुमा अदा करते हैं और फिर वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे लंच में बना है। जुमा पढ़ने, फिर जुमा पढ़ के वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारे लंच वगैरह में क्या बना हुआ और अब हम लंच क्या करेंगे आज। पर अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ पढ़ के आ गए और आप भी जुमा ज़रूर पढ़ा करें। जुमा मत मिस किया करें, क्योंकि जुमा मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। ऐसे तो 5 टाइम नमाज़ फ़र्ज़ है पूरी, लेकिन जुमा हफ्ते में एक दिन आता है तो वो मत मिस किया करें, जुमा पढ़ा करें। तो अभी देखते हैं कि हमारे खाने में क्या बन रहा है और हम लंच में क्या खाएंगे, अभी देखते हैं और मैं बताता हूँ कि आपको क्या बन रहा है। और लंच में हमारा आज रेडी हो रहा है, ये चावल हैं, राइस हैं, उसके साथ ब्लैक चने, ब्लैक चने और चावल हमारे रेडी हो रहे हैं इंशाल्लाह। अभी ये रेडी होंगे और फिर हम लंच में अपने खाएंगे। और ये देखें कि कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो अभी बनेंगे तो पता चलेगा कितने डिलीशियस हैं और कितने यमी हैं। अभी वेट करते हैं और देखते हैं कि कब तक रेडी होते हैं। और आज जुमे का दिन है तो जुमे के दिन बन रहे हैं चने और चावल। आपको मैंने अभी दिखाया, आपने देखा है कि चने और चावल रेडी हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट लगेंगे, रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर खाएंगे, फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे बने हुए। तो आपने व्लॉग एंड तक देखना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं जब तक रेडी होते और फिर इंशाल्लाह हम खाएँगे और मैं आपको दिखाऊँगा। तो वही चैन वो। और आज भी ऐसा नज़र आ रहा है कि आज भी गर्मी बहुत है। तो अभी हम बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि कितनी गर्मी है। बाकी वेदर आप देखें, बादल वगैरह तो हैं लेकिन गर्मी है, धूप की तपिश बहुत है। तो अभी इंशाल्लाह अभी बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि गर्मी आ जाए नहीं। जब तक हमारा लंच रेडी हो रहा है मैं 5-10 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ। इंशाल्लाह रेस्ट करने के बाद जब मैं उठूँगा तो इंशाल्लाह हमारा जो लंच है वो रेडी होगा और फिर आपको दिखाता हूँ कि जो हमने राइस जो बनाए वो कैसे बने हुए हैं और फिर खाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं 5-10 मिनट, तो रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो गर्मी काफ़ी है आज, तो अभी रेस्ट करते हैं फिर उठता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसको कितनी जल्दी है बाहर निकलने की, ये जगह ढूँढ रहा है जहाँ से बाहर निकल सके। अभी जंपे मार रहे हैं पिंजरे से ताकि ये बाहर निकल सके, लेकिन इसको जगह नहीं मिल रही बाहर निकलने के लिए। और आप कह सकते हैं हमारा कैदी है। दिन के खाने में आज बने हुए चावल, चने वाले चावल, और उसके साथ है हमारा रायता, रायता और चावल के साथ अभी हम लंच करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लंच कर लिए। आपने देखा कि जब हमारे जो राइस रेडी हुए थे तो बहुत टेस्टी नज़र आते, मैंने खाए तो बहुत अच्छे बने हुए थे। तो जुमे वाले दिन ऐसे भी स्पेशल चीज़ बनती है, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है कि इस दिन को अच्छी चीज़ बनानी चाहिए। अभी अपनी फरारी को स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज भी गर्मी की शिद्दत है लेकिन कल से कम है। कल काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी लेकिन आज थोड़ी इससे कम है नस्बत। अभी मैं बाहर निकला हूँ तो पता चला है कि आज है गर्मी लेकिन कल के नस्बत बहुत कम है। कल तो बहुत ज़्यादा थी, जो हम सी पे गए हुए थे वहाँ ज़्यादा थी, लेकिन आज थोड़ी इससे कम है लेकिन है ज़रूर। आई होप कि आपने व्लॉग को इन्जॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और न्यू व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज जुमे का दिन है, उसमें भी दुआ करना मेरे लिए। तो अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, मुझे भी हमेशा खुश रखे। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।